फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ सीखो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट के बारे में कि क्या होता है एंड क्यों इसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को होना जरूरी है। देखो फ्रेंड्स, जब आप अपने ब्रांड को रजिस्टर्ड कराते हो ना, उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद होता है कोई दूसरा आदमी आपके ब्रांड नेम को यूज़ ना कर पाए। अब ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर इसके प्रोविज़न दिए हुए, सेक्शन 29 बोलता है अगर कोई अनऑथराइज पर्सन ट्रेडमार्क यूज़ करता है जो कि आपका रजिस्टर्ड है, तो वहाँ पर उसने गलती करी है एंड आप सामने वाले पे केस फाइल कर सकते हो। अगर सामने वाला पर्सन आपके नाम से मिलता जुलता नाम यूज़ करता है जिससे कस्टमर्स को लगता है कि दोनों ब्रांड्स आपस में रिलेटेड है, तो वहाँ पे भी आप केस फाइल कर सकते हो। जैसे पेटीएम और पेपाल के बीच में केस हुआ था, अब वहाँ पे दिक्कत क्या हुई, जो पेटीएम का कलर है ना, पे और टीएम और पेपाल का मिलता जुलता था, लोगों भी मिलता जुलता था, तो पेपाल ने पेटीएम के ऊपर केस फाइल कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर कि जो हमारा कंपनी का लोगो है वो आपसे मिलता जुलता है, कस्टमर के मन में रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। तो इसलिए कंपनीज अपने नाम को रजिस्टर्ड करती है, प्लस अगर कोई उनके नाम को अनऑथराइज तरीके से यूज़ करता है, गुडविल का फ़ायदा उठाता है या फिर कुछ मतलब ऐसे कुछ प्रॉफिट्स गेन करने की कोशिश करता है जिसके लिए वो ऑथराइज नहीं है, तो वहाँ पे आप सामने वाले के ऊपर केस फाइल कर सकते हो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 29। अब सेक्शन 27 क्या बोलते हैं ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट, वो कहता है सेक्शन 27 सब क्लॉज 1, इसको स्क्रीन पर देखो ध्यान से, ये कहता है देयर इज नो रेमेडी फॉर एन अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। अगर आपका ट्रेडमार्क अनरजिस्टर्ड है ना, तो उसके लिए कोई भी रेमेडी अवेलेबल नहीं है। फिर वहीं पर सेक्शन 27 सब क्लॉज 2 क्या बोलता है, वो बोलता है पासिंग ऑफ के बारे में। अभी पासिंग ऑफ क्या होता है, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करूंगा, बट यहाँ पे सिंपल टर्म्स के अंदर बता रहा हूँ। मेरा ट्रेडमार्क अनरजिस्टर्ड है बट मैंने अपनी ब्रांड को बहुत शुरुआत से बिल्ड करा है एंड इतना यूनिक नेम मैंने क्रिएट करा है ना, जिससे मार्केट में अगर उस नेम की बात होती ना, तो मेरे कंपनी के बारे में ही लोगों को ध्यान आता है, भले ही मेरा नाम अनरजिस्टर्ड है, फिर भी पासिंग ऑफ के अंदर मैं केस फाइल कर सकता हूँ सामने वाले के ऊपर। देखो ये डिटेल में नहीं बताया मैंने, डिटेल में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा चैनल के ऊपर कि पासिंग ऑफ क्या होता है, कौन कौन सी रेमेडीज अवेलेबल है और कब कब अवेलेबल होती है, जिससे आपको पासिंग ऑफ के बारे में पता चले। सेक्शन 30 क्या बताता है कि कब कब आप सामने वाले पे केस फाइल नहीं कर सकते हो अगर सामने वाले ने आपका ट्रेडमार्क यूज़ कराया। देखो क्या होता है, कई बार हम किसी के ट्रेडमार्क को ना रिसर्च में भी यूज़ करते हैं, कंपैरिजन में भी यूज़ करते हैं, आपको सोशल मीडिया पे इधर दिख रहे होंगे BMW और ऑडी, कई बार ये ना एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। अब एड्स के अंदर BMW कई बार मर्सिडीज़ का लोगो भी यूज़ कर लेता है, ऑडी का भी यूज़ कर लेता है, तो वहाँ पे क्या ऑडी वाला केस फाइल कर देगा आपने मेरा ट्रेडमार्क यूज़ कर लिया? नहीं। देखो BMW वो क्यों यूज़ करता है, कंपेयर करने के लिए, एक हेल्दी कंपैरिजन दिखाने के लिए, या देखो मेरा कॉम्पिटिटर है ऑडियो उसका, ऐसा फ्रेंडली वे में दिखाने के लिए। वहाँ पे BMW का मकसद कोई सेल निकालना नहीं है। दूसरी चीज़, मैं आज कोई वीडियो बना रहा हूँ, कोई रिसर्च वर्क कर रहा हूँ, अब आपने ये वीडियो देखी ना मेरी, इसके अंदर BMW का मैंने लोगो यूज़ करा है स्क्रीन के ऊपर, ऑडी का लोगो यूज़ करा है, मर्सिडीज़ का लोगो यूज़ करा है, तो क्या वो कंपनी से आके मेरे पर केस फाइल कर सकती है? देखिए यहाँ पे ना मैं BMW का लोगो यूज़ करके मोटरसाइकिल नहीं सेल कर रहा हूँ, कार्स को सेल नहीं कर रहा हूँ या कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा हूँ, मेरा मकसद है इन्फॉर्मेशन देना, सिर्फ मैं एक इन्फॉर्मेटिव कंटेंट दे रहा हूँ। अब मैं उनका नाम ले रहा हूँ तो उनकी फ़ोटो लगाना, ठीक है, उनकी वीडियोस लगाना जरूरी है यहाँ पे, जिससे आप उससे रिलेट कर पाओ। इसलिए अगर कोई भी आपका नाम यूज़ करता है सिर्फ रिसर्च पर्पज़ के लिए या एक रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, कोई न्यूज़ वाले भी कवर करते हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं वो कवर करते हैं, तो वहाँ पर उनके ऊपर भी केस फाइल नहीं हो सकता, वो सिर्फ एक रिलेशन बिल्ड करते हैं, वहाँ पर दिखाते हैं कि सर देखो, जिससे आदमी रिजेंबल कर सके। अब इसमें बहुत तरह के और फैक्टर्स आते हैं जिसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ हर सेक्शन के ऊपर डिटेल के अंदर, एंड ये थोड़े लेंदी वीडियोस होंगे जिनमें मैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। सो मैं आशा करता हूँ ये जो मैंने छोटी सी वीडियो बनाई थी ना ट्रेडमार्क के ऊपर एंड पासिंग ऑफ के ऊपर, जिससे आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि क्या होते हैं, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे। आने वाले टाइम में मैं इनके ऊपर डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा, बिल्कुल डिटेल वीडियो विथ एवरी सेक्शन पॉइंट केस लॉ, जिससे आपको डिटेल के अंदर मालूम पड़े कि ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है एंड कैसे आप इससे बच सकते हो। अगर सामने वाला अनऑथराइज पर्सन आपके ट्रेडमार्क को यूज़ करता है तो आपको कैसे केस फाइल करना है, कैसे लीगल नोटिस भेजना है एंड कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए थैंक यू, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत सारा IPRs के ऊपर वीडियो लेकर आने वाला हूँ चैनल के ऊपर।